मेरे दो भाई थे, एक का नाम नासिर है जी, दूसरे का नाम जुनेद है। दोनों अपनी ससुराल गए थे जी। हमारा दूसरा भाई भी आया है भोलूबास सीकरी, तो रात में ये वहीं रुक गए थे। सुबह टाइम से आ रहे थे घर की तरफ, तो रास्ते में इनको बजरंग दल वाले और सीआईए पुलिस फिरोजपुर झिरका ने रोका है, इनके नाम पूछे हैं। नाम पूछने के बाद इनको खींचने की कोशिश करिए, तो उन लोगों ने जैसे ही देखा कि ये लोग हमको खींच रहे हैं बजरंग दल वाले, क्योंकि बजरंग दल वालों की वजह से दहशत फैली हुई है, उन्होंने सोचा कि ये हमको मारेंगे। पहले भी बारिश की घटना हो चुकी है जी, तो उन लोगों ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की बेचारों ने, जान बचाने के लिए। तो फिरोजपुर सीआईए के थाने ने खुद ने आगे से टक्कर मारी है, पुलिस वालों ने बराबर शरीक है इस मर्डर करने में, और बजरंग दल वालों ने पीछे से टक्कर मारी है। ग्रामीण इस चीज के सबूत दे रहे हैं, शाहिद हैं, गवाह हैं वो लोग। पीरू का जोतरी के रास्ते में इन लोगों को पकड़ के सीआई की गाड़ी में डाल दिया गया है। फिर सीआई वाले लेके इनको बजरंग दल वाले फिरोजपुर पहुंचे झिरका। फिरोजपुर झिरका पहुंचने के बाद में इन लोगों ने क्या काम करा है कि थाने वालों को देने की कोशिश की है। थाने वालों ने कहा कि इनको हमारे पास मत दीजिए, आप ले जाइए इनको, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे कर दिए, बचे ना बचे। उसके बाद में ये लोग उनको लेकर चले गए हैं कहाँ, भिवानी हरियाणा। मोनू मानेसर बजरंग दल वाला है जो, और रिंकू सैनी है फिरोजपुर झिरका, और 4, 5, 7, 8 लड़के हो रहे हैं इनके साथ में। तो इनकी टीम ने इस आदमी को, जो दो भाई हैं हमारे जुनैद और नासिर, दोनों को लेके वहाँ जिंदा जलाया है लोहारू में। लोहारू में जाके जिंदा जला दिया इनको बोलेरो की पिछली सीट पे। अब हम ढूंढ रहे थे, तो हमको जो पता चला है, हमको इस माध्यम से पता चला है कि जी वहाँ की न्यूज़ हमने खंगाली है लोहारू की, भिवानी न्यूज़ में ये सबूत है, और उस न्यूज़ में लिख रहा था कि दो कंकाल व्यक्ति मिले, एक बोलेरो गाड़ी के साथ लावारिस। जो पता चला है कि हमारे व्यक्ति हैं ये, वो गाड़ी के नंबर से पता चला है, 33 नंबर से पता चला है कि ये हमारी गाड़ी है, हमारे भाई हैं। सुबह 8 बजे के आसपास गांव से हमें सूचना मिली थी एसएचओ लोहारू को कि बारवा से जो झुप्पा के रोड जाता कच्चा रास्ता, उसमें बणी में एक बलारो खड़ी है जो जड़ी हुई है। तो मौका पहुंच के देखा तो उसमें दो नरकंकाल पड़े थे, और उसके बाद मौका मैं भी गया, सीआईए की टीम भी आई, एफएसएल के डॉक्टर भी आए, और हमारी साइबर की टीम भी आई। तो उसमें हमने उसके 86 नंबर से भेजे हुए हैं, और जो तकनीकी सहायता हम अनुसंधान में ले सकते हैं वो हम लगे हुए उसमें। उसमें आशंका ये है कि वो दो आदमी, हो सकता है बोलेरो में आग लगी हो या जला के मारे हो, अभी कोई क्लियर नहीं है, पोस्टमार्टम होना है उनका, उसके बाद कोई क्लियर होगी बात। बोलेरो के कुछ 86 नंबर मिले हैं, उनसे हम जाँच कर रहे हैं, और हमारी जो एसपी साहब ने टीम लगाई हुई है सीआईए की और साइबर की, तकनीकी जो अनुसंधान में सहायता लेनी है वो टीमें हमारी लगी हुई हैं। हो सकता है जल्द ही हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, और एसपी साहब इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक टीम मेरी है, सीआईए की है, साइबर की है, एसएचओ की है, कई टीमें लगी हुई हैं इसमें।